यार हाल ही में नेटफ्लिक्स का एक जबरदस्त शो आया जिसका नाम है लॉकवुड एंड को। इसके टोटल 8 एपिसोड है, 35 से 45 मिनट के सारे एपिसोड है, जिसका मतलब ये सीरीज आपसे करीब 7 से 7.5 घंटे डिमांड करती है। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या ये इतना टाइम देने लायक सीरीज है या नहीं, लेकिन उससे पहले सीरीज का थोड़ा ओवरव्यू जान लो कि सीरीज है किस बारे में। तो देखो, अगर आपने घोस्टबस्टर जैसी मूवीज देखी है जिनके अंदर कुछ लोग होते हैं और भूतों को पकड़ने का काम करते हैं, तो भाई इस शो के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस शो के अंदर इस चीज को थोड़ा अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। इस शो के अंदर दुनिया भर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो भाई भूतों को हकीकत में देख सकते हैं और उनको काबू भी कर सकते हैं, जिनको इस शो के अंदर एजेंट बोला जाता है। और उन भूतों को काबू करते हुए अगर भूत उनको छू लेता है तो वो हाथ हाथ मर जाएंगे। अब इस शो के अंदर इसी तरीके के 3 एजेंट होते हैं जो कि भाई एक कंपनी खोलते हैं अपनी लॉकवुड एंड को नाम से, जो कि लंदन शहर के अंदर भूतों पकड़ने का काम करती है। अब ये सब चीजें वो किस तरीके से करते हैं भाई, इस चीज का मजा तो आपको शो के अंदर ही मिलेगा। अब बात करते हैं शो के थोड़े रिव्यू की, तो भाई शो काफी अच्छा है। अगर आपको वेडनेसडे और स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर लॉक एंड की टाइप के शो पसंद है तो ये शो आपको भाई काफी ज्यादा पसंद आएगा, जो कि फैंटेसी एडवेंचर बेस्ड होते हैं। ये शो भी भाई उसी कैटेगरी में फिट होता है। मेरे को पर्सनली ऐसे शो काफी ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैंने ये शो को तो काफी ज्यादा एंजॉय करा। भाई ये शो आपको पहले एपिसोड से एंगेज रखता है स्क्रीन के ऊपर, और भाई जैसे एपिसोड खत्म होता है आपके लिए दूसरे एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है कि आपको ये जानने का मन करे कि आगे क्या होगा, जो कि भाई शो के लिए अच्छी बात है। अगली जो अच्छी बात है भाई शो का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे को पर्सनली कॉन्सेप्ट पसंद आया। हालांकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मजा आता है ये शो देखने में जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा गया है। जिस तरह से टीनेजर्स ही दिखाए कि वही सिर्फ भूतों को देख सकते हैं और धीरे धीरे उनकी पावर खत्म होती जाएगी जैसे वो बड़े होते जाएंगे, भाई ये टच काफी अच्छा लगा। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इस चीज के लिए कम्पीट कर रही है, जो कि भाई कभी हकीकत में अगर भूत हुआ करते तो इसी तरीके से कंपनीज बन जाती है एक दूसरे को कंपटीशन देने में। तो ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, जिसकी वजह से इसका एग्जीक्यूशन मेरे को पसंद आया। अगर नेगेटिव्स की बात करें शो के, तो भाई जो थोड़ा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन बस ये है कि इसके जो ज्यादा शॉट्स है वो ज्यादा रात में ही लिए गए हुए, दिन के शॉट्स बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मोबाइल के अंदर देखोगे तो हो सकता है आपको बाबा ब्राइटनेस ज्यादा वगैरह बढ़ानी पड़े, लेकिन अगर आप टीवी पे देखोगे जैसे मैंने टीवी पे देखा तो मेरे को भाई बिंदास ही लगा। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये टीवी पे देखना चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि भाई इसके अंदर एडल्ट सीन हो सकते हैं, तो भाई बता दूं कि इसके अंदर कोई एडल्ट सीन वगैरह भी नहीं है। भाई शो के अंदर कोई किस भी नहीं है, शो के अंदर कोई गाली गलौज भी नहीं है, तो आप ये मस्त फैमिली के साथ देख सकते हो। इसको देखने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। अगर रेटिंग्स की बात करोगे तो भाई मैं तो उसको 10 में से 7 आराम से दे सकता हूँ। और अभी की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। दिस इज शरवणी साइनिंग ऑफ।